रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत में रहम करने वाला है। तो प्यारे बच्चों, हम वंस एंड टेंस एंड वंस काउंटिंग सीख रहे हैं। हमने इकाइयाँ सीखी थी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एक अदद हिन से। फिर हमने 50 तक काउंटिंग की। आज हम 50 से आगे 60 to 69 जो है ना वो काउंटिंग सीखेंगे। आपको पता है कि अब हम 6 tens, ये हमारे पास 10 10 के 6 ब्लॉक्स हैं। तो इसमें हैं 6 tens हैं और 9 ones, तो ये हम इसको 60 कहेंगे। 60 ones हैं, 60 units हैं, या 6 tens और 0 ones। तो 60 को इस तरह से लिखते हैं, 60 को उर्दू में 60 कहते हैं। आप कापी पेंसिल लें और 61 में 6 tens और 1 1 unit है। तो 61 इज इक्वल टू 60 plus 1, और इसको उर्दू में 61 कहते हैं। और 6 tens में जब 2 2 ones जमा करेंगे तो ये हो जाएगा 62, और 62 को 62 कहते हैं उर्दू में। और 62 लिखते हैं इसको। 6 tens में जब हम 3 ones ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 63 को 63 इज इक्वल टू 60 plus 3, और इसको 63 कहते हैं उर्दू में। और 6 tens में जब 4 plus करेंगे तो ये बन जाएगा 64, और 64 को हम 64 बोलते हैं उर्दू में। और 66 tens में जब हम 5 plus करेंगे तो ये बन जाएगा 65, इसको 65 कहते हैं उर्दू में। और इसको 65 इज इक्वल टू 60 plus 5। 6 tens में जब हम 6 ones जमा करेंगे तो ये बन जाएगा शाबाश 66, और 66 को 66 कहते हैं उर्दू में। और 66 इज इक्वल टू 60 plus 6, और 6 tens में जब आप 7 ones ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा शाबाश 67, और 67 को 67 कहते हैं, और 67 लिखते हैं इस तरह से। और 6 tens में जब 8 ones जमा करेंगे तो ये बन जाएगा 68, 68 को 68 कहते हैं। और इसको 6 tens में जब 9 plus करेंगे तो ये बन जाएगा 69, 69 को उर्दू में 69 कहते हैं। तो ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर आप अपनी काउंटिंग जो है वो आप देखें कि आपने 60 को कहते हैं, उसके बाद आप 61 62 63 64 65 66 67 68 और 69, ये 1 to 9 की काउंटिंग है। अगर आप इसके स्पेलिंग याद कर लेते हैं तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो हम अब अमीर कैसे बन सकते हैं? जो माल अल्लाह ने हमें दिया उसे अल्लाह की राह में खर्च करें। अल्लाह इसकी मिसाल कुरान में देता है कि उनके खर्च की मिसाल ऐसी है जैसे एक दाना बोया जाए और उसमें से 7 बाले निकले और हर बाल में 100 दाने हों। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 261 है। तो कितना आसान है अमीर होना, हम लोगों से उम्मीदें लगा के बैठ जाते हैं। अल्लाह एक अच्छाई का बदला 700 गुना तक दे सकता है। हमें अल्लाह से ही उम्मीद लगानी चाहिए, और कोई हर अच्छा अमल सदका है, बेशक वो कितना मामूली ही हो। और सबसे अच्छा अमल है अपने वालदैन की खिदमत करना, उनका कहना मानना। इसकी ताकीद अल्लाह ताला ने भी की है। किसी प्यासे को पानी पिलाना, रास्ते में से कोई नुकसान देने वाली चीज़ उठा देना, हत्ता के कचरे को उठा के डस्टबिन में फेंकना, जो है कोई मामूली से मामूली जी भी अच्छा काम नहीं, ऐसा नहीं जो लिखने से रह जाता हो। अपने भाई को सलाम करना, सलाम में पहल करना, मुस्कुरा कर देखना, किसी बुजुर्ग के लिए दरवाज़ा खोलना, अगर किसी की चीज़ें नीचे गिर जाएं वो उठा के पकड़ाना, नरमी से बात करना, टूटे हुए रिश्तों को जोड़ना, दिल ना चाहते हुए भी माफ़ करना, किसी के गुनाह का पर्दा रखना, ये सारी ऐसी नेकियां हैं जो छोटी छोटी हैं लेकिन अल्लाह के हाँ
ये बहुत अच्छी गिनी जाती हैं। तो ये वीडियो आपकी खिदमत में पाकिस्तान होम स्कूल की तरफ से पेश की गई है। इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।